नमस्कार। 2016 का वो दिन सबको याद होगा जब अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि अब पुराने नोट 1000 और 500 के नहीं चलेंगे। और ये घोषणा कैसी रही, कैसी किस पे पड़ी, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इस घोषणा के बाद कई तरीके की बातें सामने आई और फिर उसके विरोध के स्वर जब सामने आए तो उसके तौर पर आप ये देखिए कि लगभग 4 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई और आज लगभग 6 साल बाद, 6 से थोड़ा सा कम बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में फैसला सुनाया और फैसला ये सुनाया कि नोटबंदी को सही ठहराया गया। आखिर जब सरकार ने ये काम किया था तो तय बात है, सब मानते हैं कि वो तकनीकी रूप से पूरा ठोक बजा के किया गया होगा, लेकिन उसमें कमियां निकाली गई और उसमें किसी भी चीज में कुछ कमियां हो सकती हैं, उसकी वसूली पर हो सकती है, उसकी तकलीफों पर हो सकती हैं, उस देश को ने जो झेला उस पर हो सकती है। लेकिन ये फैसला जो कहा जा रहा था कि गलत है, गलत नहीं बल्कि सही साबित किया और 4-1 के बहुमत से नोटबंदी को सही ठहराया गया। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र तरेजा जी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष अपने तरीके से दे रहे हैं, प्रवक्ता भी रहे हैं और अर्थ जगत में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा आपको। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी, नवोदय टाइम्स पंजाब के स्थिति से बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला। आखिर एक सवाल मन में आम आदमी के लिए सब पे होता है कि ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी लोगों को कि जब फैसला सरकार ने किया था और उसके खिलाफ में तब ये नोटबंदी गलत थी जबकि हो चुकी थी, पूरा क्रियान्वयन हो चुका था, अब उसपे कमियां तो निकाली जा सकती हैं या उसके निहितार्थ पे कोई सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन उसको गलत ठहराने के फैसले की जो बात थी, जो कही जा रही थी कि के लिए याचिका जो दाखिल की गई थी, उसपे क्या तर्क थे और किस तरीके से ये सही ठहराया गया? देखिए, तीन तरह के मैं अगर लोग बोलूं तो लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, कुछ लोगों ने अखबारों में लिखा, कुछ लोगों ने किताबें भी छापी वगैरह। वो तीन तरह के मुख्यतः आते हैं। एक तो राजनीतिक कारण थे, उन लोगों का ये मानना था कि भाई इस तरह से नहीं करना चाहिए था और उन अपना जो उनका तजुर्बा था या जिस हिसाब से उनकी आदत थी कि भाई करेंसी ऐसी होती है, अर्थव्यवस्था ऐसे चलती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे काम करता है, ये उसके अनुकूल नहीं था। और दूसरा उनको लगा कि भाई 2016 का समय था, उस समय तक उनको लगता था शायद भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनके वित्त मंत्री, शायद इनको सरकार चलाने नहीं आता है, गवर्नेंस इनको आती नहीं है, क्योंकि अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, 2-2.5 साल का समय हुआ था। तो उनको कुल मिला के ये था भाई इन लोगों को तजुर्बा नहीं है और ये तो मुख्यमंत्री थे और अरुण जेटली जी तो भाई कानून के आदमी है वगैरह वगैरह, ये उनकी एक धारणा थी, उनको लगता है इस पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सकता है। दूसरा वो तबका था जिन्होंने इसको कानूनी रूप से देखने का प्रयास किया कि पूरा एक प्रोसीजर इसका होता है, वो प्रोसीजर जो है उन्होंने आरबीआई के तमाम कानून थे, आरबीआई के संविधान को खंगाला, भारत के संविधान को खंगाला और ये कहा कि ये सही तरीके से नहीं करा गया, तो लिहाजा कुछ उसमें सुप्रीम कोर्ट चले गए, कुछ लोग कोर्ट गए, लेकिन वो फिर भी इसके आगे प्रश्न चिन्ह लगाते रहे। तीसरा, एक बहुत बड़ा वो तबका था और जो सबसे अहम था, जिसको उस नोटबंदी से भारी नुकसान हुआ था, उनकी तमाम कई उसमें राजनीतिक दल भी शामिल थे, उनकी पूरा जिस हिसाब से उनके राजनीतिक दल चलते हैं, जो राजनीतिक दलों की अर्थव्यवस्था थी उसके अंदर इस तरह का पैसा जो किसी किताब में नहीं दिखता वो बहुत बड़ा था। दूसरे, तमाम ऐसे व्यवसायी थे वो इस तरह के व्यवसाय करते थे जहां पे जो अनौपचारिक जो मनी जिसको बोलते हैं इनफॉर्मल जो इकोनॉमी है वो उनके लिए बहुत ज्यादा अहम थी, उन लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। और इसके साथ साथ ये तमाम वो सारे लोग थे जिनका पूरा जो एक पैरेलल इकोनॉमी देश में थी, जिसकी कुल मिलाकर के जो देश की अर्थव्यवस्था का लगभग 50% थी, तो उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे, बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उनके लिए तो उनके ऊपर तो गाज गिर गई थी, उनको बहुत नुकसान हुआ था। और फॉर्मल इकोनॉमी में कैसे काम करते हैं उनको आता नहीं था, या फॉर्मल इकोनॉमी को साथ लेकर के कैसे राजनीतिक दल चलाते हैं इसका भी उनको अनुभव नहीं था, उन लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। तो ये जाहिर है, इस तरह का विरोध जब भी इतना बड़ा कदम आप उठाते हैं
तो वो हमेशा होता है। ये सन 78 में जब मोरारजी देसाई सरकार थी, उन्होंने भी, आपको याद होगा, उन्होंने ऐसा कदम उठाया था, नोट बंद करे गए थे, उस समय भी उसका बहुत विरोध हुआ था, बहुत विरोध हुआ था। और अगर आप इतिहास में देखें तो अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, रिचर्ड निक्सन जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने भी ऐसा कदम उठाया था, उन्होंने भी जो बड़े बिल्स थे, बड़े जो डॉलर के नोट थे, उस पे उसको जो है डिमोनिटाइज किया था। तो अमेरिका में, और चूंकि अमेरिका बड़ी अर्थव्यवस्था, पश्चिम के तमाम देशों बड़ा विरोध हुआ उसका, और उसके बाद लेकिन वो बड़ी उसके नोट वहां नहीं छपे और अमरीकी अर्थव्यवस्था को कुल मिलाकर के उसका फायदा हुआ था। तो जब भी आप बड़ा कदम इस तरह का उठाते हैं जो एक तरह से, तो विरोध होना तो लाजमी है। और आपने देख लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया भाई इसमें तो कोई गैर कानूनी बात नहीं थी, रिजर्व बैंक हमेशा कहता रहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं थी, और जनता तो सबसे बड़ी होती है, जनता का पैसा लगातार आता ही रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन अब आपकी बात से अगर बात निकाली जाए तो जो 50% जो थी इनफॉर्मल इकोनॉमी थी, अनौपचारिक जो अर्थव्यवस्था थी, उस पर इसकी गाज गिरी, लेकिन जब पैसे की वापसी हुई तब तो वो पैसा सब मिल गया, उसी में गेहूं के साथ घुन पिस गया, या गेहूं घुन में गेहूं आ गया वाली हिसाब रहा, और 98% पैसा जो है आपका वैसे सफेद होकर के सामने आया। इस पर क्या आपकी टिप्पणी होगी? नहीं देखिए, बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट उठाया, ये इस तरीके से हुआ, लेकिन जो पूरा मकसद था कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका ज्यादा से ज्यादा जो है वो औपचारिकरण हो, वो फॉर्मल इकोनॉमी बने, जो भी पैसा वहां आया उसके बाद उन लोगों ने उस पर टैक्स दिया, और आज की तारीख में भी लाखों जो वो केस जो है वो चल रहे हैं, क्योंकि जो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए कि वो पैसा आया कहां से था, अभी लाखों चल रहे हैं केस। तो इस लिहाज से अगर आप देखें, देखो सबसे बड़ी जो इसकी उपलब्धि ये हो गई कि जो पैरेलल इकोनॉमी थी उसका जो साइज था भारत अभी भी बरकरार है वो, और लेकिन वो काफी पहले से अब छोटी हो चुकी है, और साथ में जो पैरेलल इकोनॉमी में या ब्लैक इकोनॉमी आप उसको बोल सकते हैं उसमें इन्वॉल्व है, वो भी कहीं ना कहीं उनका प्रयास ये है कि वो भी फॉर्मल इकोनॉमी में आ सके, जिससे वो रात को अच्छी तरह सो सके। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपके दर्शक समझेंगे, दिल्ली हो, बंबई हो, अंबाला हो, चंडीगढ़ हो, जलंधर हो, अमृतसर हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, कहीं पर पहले हम मकान लेने जाते थे खुले आम टेलीफोन पर विज्ञापन देकर के ये कहा जाता था इतने का ये मकान है और इतने में आपको दिया जा सकता है, इतना पैसा जो है वो आपको नकद देना पड़ेगा, बिल्कुल खुल के ब्रोकर्स बात करते थे और विज्ञापन भी ऐसे आया करते थे। अब उसका आज की स्थिति ये है कि अभी भी कुछ लोग करते हैं, 100% नहीं गया, लेकिन उसकी संख्या भारी मात्रा में कम हुई है। अगर आप गुड़गांव और नोएडा को देखते हैं तो लगभग 70% उसमें कमी आई है, ये आंकड़े हैं। और आज जो बड़ी डील होती भी है, अगर उसमें कुछ लोग कैश ले भी रहे हैं तो वो घट करके जहां पहले 70% होता था वो घट के आज 20-30% हो गया। देखिए एक चीज हमको गौरतलब करनी होगी, ध्यान देना पड़ेगा, अगर भारत को वास्तव में विकसित अर्थव्यवस्था बनना है उसके लिए तीन चीजें आवश्यक है। एक तो यह है कि पूरे देश में जितने लोग हैं उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा तभी बन सकता है जब उनका बैंक अकाउंट हो। 2014 से पहले 67% लोगों का बैंक अकाउंट ही नहीं था, तो औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनते भी कैसे? आज हर भारतीय का बैंक अकाउंट है। दूसरी बात कि जो भी जिस तरह के पेमेंट जाते हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से जाए, तमाम स्कीमों की तरफ से जाए, ये यकीन हो, पक्का हो कि वो औपचारिक माध्यम से जाते हैं, चैनल से जाते हैं, और जो उसके बेनिफिशियरी हैं उनको पूरी तरह मिलते हैं। आज लगभग वही हो रहा है, राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट था कि भाई 10% पैसा नहीं पहुंचता है, सरकार भेजती है, आज वो पहुंच रहा है। तीसरा जो सबसे अहम हिस्सा है कि जो देश की अर्थव्यवस्था जब तक उसकी बुनियाद जो है वो बिल्कुल फॉर्मल नहीं होगी, उसकी बुनियाद जो है वो संस्थागत इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होगी, उसकी बुनियाद जो है वो कुल मिलाकर के जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो बैंकिंग चैनल्स के माध्यम से नहीं जाएगी, आप विकसित अर्थव्यवस्था नहीं बन सकते। पैरेलल इकोनॉमी कितनी भी बड़ी हो जाए उसको मान्यता नहीं मिलती, उस तरह का विवाह होता है जिसको समाज शक्त से देखता है। तो जब तक जो आज हमारी इकोनॉमी के अंदर जो फॉर्मलाइजेशन इकोनॉमी का हुआ है वो बहुत बड़ा है, अभी भी कुछ हिस्सा, काफी बड़ा हिस्सा भी मैं कहूंगा कि अभी भी वो अनौपचारिक है, वो पैरेलल है, लेकिन धीरे धीरे जिस हिसाब से इस संस्कृति का विस्तार हो रहा है कि फॉर्मल इकोनॉमी आओ, सम्मान भी मिलेगा, रात को नींद भी मिलेगी, व्यवसाय भी आपका बढ़ेगा, उसका हिस्सा लगातार तेजी से बढ़ रहा है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि आज के फैसले में एक जस्टिस थी जो बीवी नागरत्ना जी, उन्होंने अपना फैसला उनका अलग था और उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था, इसे गजट की जगह जो नोटिफिकेशन की जगह कानून के जरिए लाया जाना चाहिए था, और यही बाकी याचिकाओं का आधार भी था कि साहब नहीं। अब लेकिन जस्टिस गवई जो थे उन्होंने कहा कि सरकार का फैसला बिल्कुल सही था, और जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो आरबीआई से कंसर्न हो के नहीं किया गया, वो किया गया। उनका ये भी कहना था कि नोटबंदी का मकसद हासिल किया जा सका या नहीं किया जा सका, इससे नोटबंदी के प्रोसेस से कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए जो नवंबर 8 शायद तारीख में सही कह रहा हूँ शायद को 2016 में जो सरकार का फैसला था वो कानूनन सही था। तो अब सवाल ये है कि कानूनन सही होने पर या इसकी तकनीकी रूप से तो कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन उसके क्या हम ये माना जाए कि नोटबंदी का जो उद्देश्य था वो पूरी तरीके से सही था, और सरकार, मेरा हमेशा मानना पड़ा होता है कि सरकार अगर कोई कदम उठाती तो ऐसा तो नहीं होता है कि कोई कोई छोटी सी दुकान है वो एक बकायदा ठोक बजा करके काम करती है, अगर उसने किया फिर उसके बाद बाकी कानून से पारित हुआ है तो वो ठोक बजा के ही हुआ होगा, तो वो तकनीकी पक्ष हो सकता है, लेकिन क्या सरकार मूल उद्देश्य में कायम रही? देखिये, ये कहा गया कि भाई ये बाय एनेक्ट पार्लियामेंट होना चाहिए था, प्रधानमंत्री आए उन्होंने टेलीविजन पे इसकी घोषणा करी, वो गैर कानूनी था। मुरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री सन 78 में थे उन्होंने भी डीमोनेटाइजेशन की घोषणा रेडियो पे करी थी, उन्होंने कोई पार्लियामेंट में, अगर बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट करना है तो उसकी तो पहली चर्चा हो जाएगी, अगर जिस चीज की जानकारी पहले मिल जाएगी तो उसका सारा उद्देश्य तो उसी दिन परास्त हो जाएगा, उसी दिन हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि ये जो बात कही गई है ये अपना हर एक का अपना अधिकार होता है बात कहने का, और लेकिन ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इतना बड़ा फैसला और इतने बड़े बहुमत से दिया है तो मुझे लगता है ये सारी बहस तो अपने आप ही खत्म हो जाती है। प्रश्न ये उठता है कि डीमोनेटाइजेशन का मकसद क्या था और क्या वो हासिल हुआ? तो सबसे बड़ा मकसद डीमोनेटाइजेशन का बड़ा स्पष्ट था, वो ये था कि भाई अगर जो बात हो रही थी, जो एक सपना था सरकार का कि हम एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बन सके, हमारा 5 जो है वो ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, बाद में 10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी अब हो जाए, हर अर्थशास्त्री का ये कहना था ये संभव नहीं है जब तक कि हम पूरी अर्थव्यवस्था की जो बुनियाद है उसकी जो एक तरीके से जो फंडामेंटल्स है और उसकी जो जमीन है उसको पूरी तरीके से और उसको फॉर्मलाइज नहीं करेंगे, और उसके लिए ये कदम उठाना आवश्यक था। ये एक ऐसी कड़वा कदम था जिससे पता था नुकसान होगा, पता था लोगों को तकलीफ होगी, असुविधा होगी, लेकिन उसके और हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में सरकार को भी नुकसान हो जाए क्योंकि लोग नाराज हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था को मैनेज करने में दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू को लेकर के ये कदम उठाया गया। और आज अगर आप देखते हैं, आज आप जाकर के देखिए पूरे भारत के अंदर आज लगभग हमारी आधी जनता के हाथ में आज स्मार्टफोन है, और आधी हमारी तमाम वो लोग जो ठीक तरीके से पढ़े लिखे नहीं है वो भी आज टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं ट्रांजैक्शन के लिए। छोटा सा रेड़ी लगाने वाला आगरा के अंदर, फिरोजाबाद के अंदर, अंबाला के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर आप देखिए वो आपका पेमेंट जो है वो डिजिटल माध्यम से ले रहा है, मतलब उसके अंदर किसी तरीके का वो फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा है, और वो इसको लेकर के गर्व महसूस करता है कि वो इसका हिस्सा है और वो पेमेंट जो है वो इस माध्यम से कर रहा है, उसके हाथ में डेबिट कार्ड है, वो एम्पावर्ड फील कर रहा है। वो आदमी जो बैंकिंग सिस्टम से ही बाहर था सन 2014 से पहले, उसका बैंक अकाउंट ही नहीं खुलता था, वो आदमी आज वो भारतीय जो है महिला हो पुरुष हो वो एम्पावर्ड फील करता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और जब हम जब देश की अर्थव्यवस्था को हम एक महाशक्ति बनाना चाहते हैं, एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ कदम उठाने जरूरी थे। मुझे लगता है कि तकलीफ हुई, मुझे भी हुई, मुझे व्यक्तिगत रूप से भी तकलीफ हुई जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि भारत की जनता ने उसके लिए जो छोटा सा जो उन्होंने बर्दाश्त किया उससे देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत हुई। आज अगर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली पड़ी है, आज IMF का आज का कहना है कि तमाम देशों की अर्थव्यवस्था जो है मंदी में जा चुकी है, पूरे विश्व जो है आज भारत को उम्मीद से देखता है। क्यों देखता है? अगर हमने डीमोनेटाइजेशन नहीं किया होता हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद इतनी मजबूत नहीं होती जितनी आज है। आज हम 3.4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं नॉमिनल बेसिस पे, अगर आप इसको PPP परचेजिंग पावर पैरिटी पे लें तो हम लगभग 8.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है,
तो अब ये सब संभव ही नहीं होता अगर अब उस समय हमने जो वो कड़वा घूट ना पिया होता या वो बिटर पिल जो है उसको नहीं लिया होता। टेक्नोलॉजी आज हमारी अर्थव्यवस्था में एक अहम रोल प्ले कर रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था की बुनियाद टेक्नोलॉजी बन गई और ये सब तभी हो पाया जब हमने वो कदम उठाए। और अभी भी जो पैरेलल इकोनॉमी या ब्लैक इकोनॉमी चल रही है वो आप देखिएगा उसके लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि जब जो है ये फॉर्मल इकोनॉमी जो है ये एक वो रोल प्ले कर रही है कुल मिलाकर के एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रही है और वो आप देखेंगे वो जो कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रही है और वो कैटलिस्ट इतना बड़ा है कि जो पैरेलल इकोनॉमी रह गई है 20 या 12-25% की वो अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाए। बिल्कुल अब तो सही बात तो ये है कि पान की दुकान वाला भी जो है वापस पेटीएम से या बाकी और उपकरणों से हमारे वो पैसा लेता रहता है लेकिन तो उसका जो ठीक है 98% आया पैसा नोटों का एक्सचेंज हुआ बाकी कहाँ चले गए कितने खराब हुए क्या नहीं है वो एक अलग मामला है और बड़ा मामला है जिसको किनारे फिलहाल अगर उसकी बात ना करें तो दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि क्या सरकार सचमुच ब्लैक मनी पर रोक लगा पाई क्या सरकार सचमुच टेरर फंडिंग पर रोक लगा पाई आपको क्या लगता है? देखिए देखिए ये एक ऐसी चीज तो है नहीं कि आपने स्विच ऑफ कर दिया और ऑन कर दिया ये ट्रांजिशन होता है। जब हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जो है इतनी बड़ी भूमिका थी पैरेलल इकोनॉमी की ब्लैक इकोनॉमी की इतनी बड़ी भूमिका थी और लगातार चलती आ रही थी। पंजाब के एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे प्रताप सिंह कैरो उनका ये कहना होता था कि अगर पैरेलल इकोनॉमी नहीं होगी तो विकास ही संभव नहीं है। ये तर्क उन्होंने पंडित नेहरू को दिया था मैंने तो किताबों में इतिहास की किताबों में पढ़ा है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस तरह के तमाम लोग थे जिनकी ये सोच थी कि साहब पैरेलल इकोनॉमी आपने बंद कर दी तो रियल एस्टेट डूब जाएगा एग्रीकल्चर डूब जाएगा छोटे मोटे बिजनेस जो है वो सारे डूब जाएंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसको जाकर के अच्छी तरीके से खंगाल करके देखते हैं तो उसके अंदर जो कुल मिलाकर के जो कल्चरल शिफ्ट हुआ है और उसमें जो ये जो ट्रांजिशन फ्रॉम इनफॉर्मल इकोनॉमी पैरेलल इकोनॉमी टू 100% फूड इकोनॉमी वो ओवरनाइट नहीं होगा और वो एक लंबी यात्रा है। लेकिन उस यात्रा में आज हम 50% से ज्यादा जो सफर है तय कर सके अगर इतने छोटे 6 साल के समय में हम 50% जो अपनी लंबी यात्रा को तय कर जाए मुझे लगता है ये अपने में एक रिकॉर्ड है। अगर विकासशील अर्थव्यवस्था का उठा करके देखें जितनी विकासशील अब अमेरिका से तो हम सीधा कंपैरिजन ना करें तो बेटर है क्योंकि हम अभी भी विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्था में कोई ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है जिसने इतने कम समय के अंदर अर्थव्यवस्था को जो इनफॉर्मल इकोनॉमी थी उसको इतने बड़े हिस्से को फॉर्मल बना दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जो अर्थव्यवस्था होती है जो इनफॉर्मल इकोनॉमी या पैरेलल या ब्लैक इकोनॉमी होती है ये कलंक की तरीके से होती है। किसी व्यक्ति की अर्थव्यवस्था या सोच में आ जाए किसी व्यवसाय की संस्कृति में आ जाए किसी दुकान की संस्कृति में आ जाए या कुल एक परिवार की संस्कृति में उसको नष्ट करती है अंततः नष्ट करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भारतीय सोच है हमारे हिंदुस्तान की सोच हमेशा रही है जिसमें एक सत्य की बड़ी भूमिका है पवित्रता की बड़ी भूमिका है उसको अगर हम नजर में लेकर के चलते हैं तो मुझे लगता है इसीलिए भारत की जनता ने इसका साथ दिया। पर हम वो दिन दूर नहीं है जो हमारी अर्थव्यवस्था का लगभग 99% फॉर्मल होगा। अभी भी लंबी यात्रा है लेकिन हम उस दिशा में तेजी से आगे जा रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच ये काला धन और जो मैंने पहले सवाल किया था उस पर आपने थोड़ा सा भी जवाब नहीं दे पाए शायद उसे काला धन और नक्सलियों को या आतंकियों को की कमर तोड़ पाए हैं हम इस नई व्यवस्था में? हाँ बहुत अच्छा आपने देखिए प्रश्न किया। जो ये पहले बात तो ये काला धन की जहां तक बात है काला धन जो है उसको हम काफी हद तक खत्म कर पाए हैं। राजनीति के अंदर भी आप देख लीजिए आप रियल एस्टेट बिजनेस देख लीजिए आप उनको देखिए जहां सबसे ज्यादा ये काला धन जो है पनपता है वो तमाम क्षेत्रों के अंदर उसके ऊपर बहुत बड़ा अंकुश लगा है। मैं ये दावा तो नहीं करूंगा कि 100% लग गया लेकिन उस पर काफी बड़ा अंकुश लगा है और उसकी काफी कमी आई है। छोटा से छोटा राजनीतिक दल भी आप कहता है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा लो और अभी जो नई लिस्ट सामने आई है आपने देखा है तमाम रीजनल जो पार्टीज हैं उनको भी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बहुत ज्यादा पैसा मिला है मतलब वो संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। रियल एस्टेट में आपको यही निकला है। दूसरे जो तमाम पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जो थे वो हमारे बाजार में आकर के पैरेलल इकोनॉमी को यूज करके कहीं ना कहीं चीन भी ऐसी भूमिका नॉर्थ ईस्ट में निभाता था उल्फा को लेके मिजोरम में नागालैंड में उसमें भी काफी अंकुश लगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% लग गया लेकिन अगर आप उसको देखते हैं जो उनका इनफ्लो होता था जो एक बहुत बड़ा टारगेट था उसमें काफी कमी आई और ये वजह है कि आज नॉर्थ ईस्ट हमारा जो पूर्वोत्तर है वो पहले के मुकाबले काफी स्टेबल है
मध्य प्रदेश से लेकर के झारखंड छत्तीसगढ़ ये तमाम इलाकों के जंगलों में जिस तरह की जो एक सोच पनपती थी उसमें काफी कमी आई है, उसमें भी काफी अंकुश लगाया। ये देखिए ये सारा मैंने जैसे कहा ट्रांजिशन है, समय लगने वाला है, लेकिन जो इस माध्यम से हासिल करा गया अगर आप उसको देखते हैं तो वो काफी बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है वो समय दूर नहीं है कि टेररिज्म के अंदर या नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस तरह का जो ब्लैक मनी का जो भूमिका थी उसको हम काफी हद तक खत्म कर पाएंगे। उस दिशा में काम तेजी से, आप रिजल्ट देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो आज स्टेबिलिटी है, जिस तरह का वहां इन्वेस्टमेंट जा रहा है, जिस तरह के आज वहां टूरिस्ट जा रहे हैं, टूरिस्ट देखिए नॉर्थ ईस्ट में पिछले 6 महीने के अंदर रिकॉर्ड टूरिस्ट गया, कश्मीर के अंदर रिकॉर्ड टूरिस्ट गया है। ये संभव ही नहीं हो पाता अगर जो हमने ये डिमोनेटाइजेशन नहीं किया होता और इसके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश न लगाया हो। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल, अभी ये कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट आई थी कि साहब 2000 के जो नोट हमने थे और जो 500 के नोट है 2054 करोड़ जो नोट गायब हैं और 500 के जो नोट हैं उनकी शायद 8 लाख करोड़ के आसपास के नोट गायब हैं, ये कहां गया है? देखिए इस तरह की खबरें जो हैं, इस तरह की अटकलें आप बोलिए वो अक्सर मीडिया में भी आती हैं, वो होती हैं। हमको ये जानना पड़ेगा रिजर्व बैंक जो है वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, करेंसी के साथ क्या होता है, करेंसी कहां जाती है, करेंसी का कहीं कोई मिसयूज तो नहीं कर गया या कहां गायब हो गए, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पर अधिकृत रूप से कुछ नहीं कहता है, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को उस पर ज्यादा टिप्पणी करनी चाहिए या उस पर बहुत ज्यादा उसको गंभीरता से लेना चाहिए। टाइम्स पंजाब के बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। थैंक यू।